नमस्कार, झारखंड की इस चुनावी यात्रा में द रेड माइक के साथ आपका स्वागत है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपने तो बहुत भरपूर समय हमारा साथ बिताने का मौका मिला, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, लेकिन चलिए चलते चलते बात करते हैं। हेमंत जी, जो अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, इतनी कैंपेनिंग हुई है, अभी आपका कैंपेनिंग शेड्यूल कैसा चल रहा है, जिसे कहते हैं ना माहौल क्या है? फुल पैक, सांस लेने का फुर्सत नहीं। और अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और लंबा भी करनी है, एकदम छत्तीसगढ़ बॉर्डर यूपी बॉर्डर के पास रहेंगे जी, और वहां से करते करते भी और गिराएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, झारखंड के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर 35% आबादी झारखंड के जो वोटर्स हैं 18 से 32 के बीच में है, इस आबादी के लिए आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया, और आगे यदि आप वापस आते हैं तो 18 से 32 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ 18 से 32 वर्ष के जो नौजवान है उनके लिए नौकरी, स्वरोजगार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, शिक्षा। और हमने इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको कई स्कीमों से 18 वर्ष तक की महिलाओं को, बच्चियों को भी जोड़ा। और रहे हमारे नौजवान युवा साथी, उनके लिए भी हम लोगों ने रोजगार के बड़े पैमाने पर आयाम खोले, यूपीएससी, जेएससी, अलग अलग माध्यम से अनगिनत अभी हम लोगों ने कई विभागों में लगभग अब इनके नौकरी स्वरोजगार दोनों दरवाजे इस तरीके से खुल गए हैं और लगातार नौजवान इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तो चुनाव आयोग ने ये थोड़ा प्रकट रख दिया, नहीं तो वो टीम जो हमने एग्जाम दी हुई है उनके भी रिजल्ट आ चुके होते थे। बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में नौजवान उसमें लड़के लड़कियां ने हिस्सा लिया है, उनको नौकरियां मिलती। और स्वरोजगार को लेकर के हम लोगों ने विशेष रूप से हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव में रहने वाले, यहाँ सबसे अधिक बहुलता ग्रामीण क्षेत्रों का है, उसमें स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, किसान युवा साथियों के लिए रोजगार ग्राम योजना जैसे उन्होंने चला रखा है, और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त अभी हमें देखने को मिला है। और आने वाला समय में जो हम लोगों ने रोजगार स्वरोजगार के लिए जो रास्ते अपनाए हैं उसके दायरे को और बढ़ाएंगे, ताकि अभी सभी युवा इसमें हिस्सा ले सके। हेमंत जी, मुझे ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत बात हुई, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ट्राइबल्स की आबादी अच्छी खासी है। अगर आप सेंसस देखें तो 12% शेड्यूल कास्ट और 26% शेड्यूल ट्राइब। जब यूसीसी की बात हुई तो ऐसा क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जाने लगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और ट्राइबल्स के हक शायद मारे जाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इस देश में एनआरसी, यूसीसी जैसे विषय को जो लेके आई है, ना जाने उसके पीछे इनका क्या एजेंडा है, लेकिन कुल मिला जुला करके यही लगता है कि इनका बड़ा सुनियोजित कार्यक्रम चल रहा है, और इनके जो विंग्स हैं इनके तो आए दिन इस बात को लोगों के सामने और खुले मंचों से कहा जाता है
इस राज्य में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में आदिवासी दलितों का क्या होगा? आज संविधान में जो कवच इनको मिला है, इस कवच के रहते हुए भी आज चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे पदाधिकारी के रूप में, चाहे जजेस के रूप में, वकीलों के रूप में, डॉक्टर्स इंजीनियर के रूप में, आज इन वर्गों में बहुत मुझे लगता है कि आपको डबल डिजिट की परसेंटेज भी देखने को मिलती है। आपको लगता है यूसीसी एंटी ट्राइबल है? अब ये भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा या यूसीसी आएगा लेकिन आदिवासियों को छोड़ा जाएगा। हाँ, वो तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये स्पष्ट किया, यूसीसी का मतलब क्या होगा फिर? अलग अलग राज्यों में आप अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, मतलब फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा? ये क्या यूसीसी का मतलब? बिल्कुल ये इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इनका कोई आज इनका बताइए एनआरसी यूसीसी का जो आसाम में हुआ वो आज कहाँ पड़ा है? आज ओंधे में गिरा पड़ा है। 40 लाख लोग राज्य से छोड़ के बाहर भाग गए। क्या बात करते हैं ये लोग इन योजनाओं को, इन रूल्स को ला करके इनको जबरदस्ती थोपने वाली बात हो गई। मुझे आप ये बताइए हेमंत जी, एक आरोप आपकी सरकार पर यह भी लगा है कि आप घुसपैठियों को ला ला के झारखंड में बसा रहे हैं। इधर आपने यूसीसी ट्राइबल्स के लिए एंटी ट्राइबल होगा ये बोला, और वहां उन्होंने ये बोला कि ये घुसपैठ करा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो ये तक बोल गए कि वो आपके मंदिर की घंटी और शंख तक उठा करके ले जाएंगे। अरे ये लोग के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है। अरे विकास पर चुनाव लड़ो ना। आपने देश को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया, बुजुर्गों को क्या दिया? आपके साथ आपके हैंड्स, आपके आंख कान नाक बने हुए जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, उनको क्या दिया? इन पर बात करो ना। ये सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन्हीं का यही टॉपिक इनके पास है। और घुसपैठी की जहां तक की बात करते हैं, अगर आतंकवादी का बात करें, उग्रवादी की बात करें, क्या राज्य का विषय है? कहिए, ये तो नहीं। पर ये कहा जा रहा है आपने डेमोग्राफी बदल दी, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, बॉर्डर इंटरनेशनल नहीं क्योंकि वो तो झारखंड का है ही नहीं। आप डेमोग्राफी बदलने की बात है, अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इसी सब्जेक्ट को लेकर। हाँ, और जो यहाँ हाईकोर्ट से इन लोगों ने जोर जबरदस्ती जो आदेश पारित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस कर रखा है। उसमें राज्य सरकार की कहा दूसरी, हमने जो कहा उसको उसने सही पाया और उसने उसको स्टे किया यहाँ के चीजों को। क्या ये बात करते हैं? ये कानून संविधान इन सब से ही अपने आप को ऊपर समझते हैं। रांची अभी जब मैं आया तो मैंने एक पोस्टर लगा हुआ देखा आपके घर के सीएम रेजिडेंस के एकदम बाहर, और उसमें बीजेपी का पोस्टर है जिसमें लिखा है बटोगे तो कटोगे। ये लगता है यूपी से नारा यहाँ पर भी आ गया है। इस नारे को आपने भी देखा होगा जब सड़क पर चलते होंगे, क्या कहें? देखा तो नहीं है, सुना है। इनके नेता आकर की यही बात बोल रहे, इस तरीके की इनके जो मंचों में लोगों को उत्साह मतलब एग्रेसिव करने के लिए, उनको आक्रोशित करने के लिए ये सारे भाषण है, बताने के लिए लोगों के भाषण है। यहाँ के लोग ना बटे हैं ना टूटे हैं, बल्कि इस चुनाव में वोट के माध्यम से टूटेंगे जरूर। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था ये लोग आपका मंगलसूत्र भी उठा करके दे देंगे, उठा के ले जाएंगे मंगलसूत्र। इस चुनाव में भी इस तरीके की बात हो रही है कि शंख नहीं बजाने पाओगे, घंटी नहीं बजाने पाओगे, शंख नहीं बजा पाओगे, घंटी नहीं बजा पाओगे, किसी का ना घर रखने के लिए क्या घंटी बजाने का, शंख नहीं बजाने का। यही लोग है जो राम नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। क्या हुआ अयोध्या में? पता नहीं वहां के इनके प्रत्याशी का जमाने पचाती नहीं बचा, जितना बड़ा हथौड़ा राम जी ने मारा इनके सर पर। राम जी ने हथौड़ा मारा है बीजेपी पर और क्या? लोकसभा चुनाव में 400 पार नारा लगाने वाले कहां?
गिरे पड़े हैं, बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। लेकिन ये बताइए हेमंत जी, बीजेपी पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाषा की मर्यादा नहीं रखी, कल तो आपने भी उनको पॉकेट मार बोल दिया, या संदर्भ क्या था? उन्होंने जब ये जंग छेड़ दिया है तो हम क्यों पीछे रहे? अब देश के प्रधानमंत्री को राह दिखाएंगे, देश को उसी राह पे सब लोग चलेगा ना। आप उनकी राह पर चल रहे हैं? अब राह पर चला, हम लोगों ने तो फिर भी कुछ नहीं कहा। ये लोग तो डकैत लुटेरों का पूरा सबू गिरे है ये। आप पॉकेट मार नहीं बोले तो क्या बोले, लुटेरे ना बोले तो क्या बोले? आज नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये कौन है? नहीं पता कि रिश्तेदार लोग है क्या? और इनके साथ तो उन लोग फोटो छपा छपा करके दुनिया में घुमाते। लेकिन आरोप भ्रष्टाचार का तो वो आपके द्वारे ला करके खड़ा करते हैं। अभी कली का मामला है, ताजा मामला है, फिर से ये साबित करने का प्रयास है कि हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द भ्रष्ट लोग हैं और वो खुद भ्रष्ट। इन लोगों ने मेरी छवि खराब करने के लिए सुपारी में रखी है, सुपारी दे रखी है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया, हम लोगों ने एफआईआर किया, किस तरीके से करोड़ों रुपया खर्च कर रही है ये लोग हमारे छवि को धूमिल करने के लिए। मुझे जेल तक डाल दिया मेरी छवि को खराब करने के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या इसके पीछे, इसके पीछे कितनी ताकत उनकी लगी? और आज ईडी, सीबीआई, इंटर टैक्स गिरोह पड़ रहे हैं। चुनाव में पहले तो ऐसा कभी नहीं देखने को नहीं मिला, और आज इनके दो साथियों के पास जाता नहीं है, हेडलाइन बनाते हैं, मुख्यमंत्री के करीबी के यहाँ ये हुए मिला, और अंदर मटेरियल में लिखता है कि भाजपा के लोगों के यहाँ पैसा मिला, अभी मीटिंग बुलाते हैं। ये बताइए हेमंत जी, झारखंड दो हेमंत को देख रहा है, एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एक बीजेपी की तरफ से जो यहाँ अगुवाई कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इस हेमंत में और उस हेमंत में आप क्या फर्क देखते हैं? वो हेमंत जी डरपोक आदमी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई सर चाहिए जिसके ऊपर इस चुनाव की हार का टुकड़ा फोड़ा जाए। और इन लोगों ने एक तीन प्रकार, अभी तो मुझे कल सूचना मिली कि अब ये चुनाव इनके हाथ से निकल चुकी है। रात के 12 बजे ही मंडल सोफा जी चुनाव के बाद जिनके विधायकों को जाना है उसकी तैयारी में लगे हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव यदि हार जाते हैं तो उसके बाद आपके विधायकों को किस तरीके से तोड़ा जाए, वो काम दूसरे वाले हेमंता को दिया गया है, वो इसलिए आए हैं? उनका पूरा ग्रे इस विषय पर कल एक बड़ी मीटिंग उन लोगों ने की है। अच्छा। गया हाथ से, आप विधायक जुगाड़ करो, कहां कहां से कौन कौन विधायक को उठाया जा सकता है, रात में 12 बजे कहां घूम रहे थे हेमंता बिस्व शर्मा पूछे रात में। तो ये बताइए हेमंत जी, अब जैसे आप का जब जेल जाना हुआ, आज अखबारों में छापा ये सब और न्यूज में पता नहीं कौन सा क्लिपिंग चला रहे हैं, ये सब उसका एक कहा जाए कि एक भूमिका तैयार हो रही है। कैसे मतलब छापा एक बहाना है ताकि खबर में वो रहे, और पीछे से आपका आरोप है कि एक मीटिंग हो जाए कि कैसे विधायक तोड़े जाए, ये आरोप है? चिंता मत कीजिए, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपका जब जेल जाना हुआ तो उसके बाद चंपई सोरेन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, अब आपने भरोसा करके कार्यभार उनको दिया और अब आप जानते हैं कि वो बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में इसको बीजेपी की जोड़ तोड़ देखी जाए या ये देखा जाए कि हेमंत सोरेन ने जिस पर भरोसा किया वो हेमंत सोरेन के साथ ही नहीं है, तो हेमंत सोरेन का कंट्रोल कैसा है पार्टी पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आप झारखंड में, बाकी राज्यों की तो बात नहीं बता सकता, झारखंड में घोर अभाव हो चुका है। इनके पास ना नेता है, ना कैडर है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर सके। आप देखेंगे दुनिया भर के नेताओं को कभी मोदी थोड़ा जैसे भ्रष्टाचारी हमको बोलते, मोदी के बारे में थोड़ा क्यों नहीं मंचों में बोलते, आए दिन उनके बारे में उनका सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से आदेश भी किया जाता है, भ्रष्टाचार की बात हम करते हैं।
देखिए झूठ झूठ है सच सच, आप किसी के झूठने पर अगर झूठ चिपक जाए तो बात ही क्या, लेकिन इनकी करतूतों की उनके कर्मियों तो इनकी गलत नीतियां है, उनको पूरा देश समझ रहा है, राज्य की जनता देश की जनता उनको खुश नहीं है, और यही वजह है लोकसभा में भी लोगों ने इनको अच्छा खासा समझ सुनाया। हेमंत जी मुझे ये बताइए, आज आप अपने चुनावी दौरे पर निकले हैं और झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो होगा, प्रधानमंत्री से आपकी भी बहुत सारी तस्वीरें देखी गई हैं, पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए मिलते हुए, और बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कॉर्डियल एनवायरनमेंट में वो मीटिंग्स दिखी। आपने अभी बीजेपी के कुछ नेताओं को ये कहा कि वो गिरोह की तरह काम करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ आपकी तस्वीरें हैं बहुत ही अच्छे सिस्टम में बैठ के बात करते हुए, उनके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए वो एक प्रोटोकॉल है, देश के प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, लेकिन आज चुनावी मैदान में है तो हमारे विपक्ष की हैसियत से आज चुनाव के मैदान में वो विपक्ष के भूमिका में है, तो जो वो कहेंगे उनका जवाब हम पूरे प्रतिको के साथ देंगे। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और ये दिल्ली में खास तौर से लोग बहुत क्यूरियस हैं, दिल्ली में बहुत उत्सुक हैं। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे बाल काले हुआ करते थे, मूंछ होती थी लेकिन दाढ़ी नहीं होती थी, लेकिन अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद ऐसे लगता है कि शिबू सोरेन जी की तरह दिखने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये डेलिबरेट है जो आपने दाढ़ी रखी है? हालात में मुझे हमारे जो विपक्षों का करतूत है जो मुझे आज इस स्थिति में लाके खड़ा है, मैं ऐसा था नहीं, और मुझे भी पता था कि मैं शिबू सोरेन जी दिखता हूँ, गांधी गुरु जी ऐसा दिखता हूँ, मैं अब्दुल कलाम जी ऐसा दिखता हूँ, जब मेरी दाढ़ी बढ़ी तब लोगों ने देखा, यहाँ तक हमारे फोटो को हमारे जी को दिखाया गया तो उन्होंने तो ये कहा कि ये मेरा फोटो है, तो ये एक कहा जाए कि कुदरती करिश्मा है, और लोगों को ये दिखता है कि गुरु जी की झलक मुझे दिखती है, तो गुरु जी का इस राज के प्रति इनका दायित्व रहा है, जो संघर्ष रहा है वो आज भी लोगों को याद। एक सवाल अब जल्दी से कुछ आखिरी सवाल मैं पूछ लूं, ये जो मैया योजना आई है इसके ये अभी हाल फिलहाल इसके बारे में आपकी सरकार बहुत चर्चा कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों है हेमंत सोरेन जी की 5 साल का काम एक तरफ और आज आपको एक 3 महीने पुरानी लॉन्च की हुई योजना का उल्लेख ज्यादा करना पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हेमंत सोरेन को एहसास हुआ कि जो मैंने काम किया है? तो 5 साल की बात बताता हूँ, 5 साल में 2.5 साल कोरोना लेके गया, और कोरोना में फर्जी दवा इस पूरे राज्य और पूरे देश के लोगों को भगवा दिया, पूरा दुनिया इस विषय पर चर्चा कर रहा है, जिस दवा को बैन किया गया था उस दवाई को यहाँ इन लोगों ने मैन्युफैक्चर करके पूरे देश के लोगों को ग्रस्त लगवा दिया, और आज उसका साइड इफेक्ट पूरे देश में देखने को मिल रहा है। क्या मैं उसकी चर्चा करूं? आज मैंने उत्पाद सिपाही की बहाली की, 1 साल दर्जनों से अधिक बच्चे मारे गए, यह अप्रत्याशित है, हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि मुझे 3 दिया जाए कि इस इतने बड़े तादाद में बच्चों की मौत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, कभी नहीं हुआ। मैंने सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरा का सारा ये सैंपल अभी भी प्रिजर्व कर रखा है, इतनी गंभीर बात है, और रहा 2-2.5 साल का काम, और तो 2-2.5 साल का काम ही बताऊंगा ना, समझ गया। लेकिन ना ये तो फिर मोदी जी भी कह सकते थे
2019 से 2024 के बीच में कि हम लोगों ने फर्जी दवाई ठुकवा दी, कहे ना हम लोगों ने दवा कंपनियों से हम लोगों ने बड़े पैमाने में हाल सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे वसूले हैं, बोलो इन्हीं कंपनियों से क्या बात करेंगे ये लोग। लेकिन आपका ये कहना है कि ये जो नई स्कीम है ये लास्ट मिनट आपको ये एहसास नहीं हुआ है कि अभी एक स्कीम अभी लॉन्च की और उसके बारे में चर्चा की जाए, ये भी कहा जा सकता है ये स्कीम आपने पहले क्यों नहीं लॉन्च कर दी? पहले तो हमने सर्वजन पेंशन हम लोगों ने लॉन्च की हुई है, क्या बात है सर, टाइम टू टाइम हर चीजें होती है। आज देश का पहला ये राज है या इस राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, बताइए किस राज्य में देते हैं? यहाँ आकर गैस सिलेंडर मिलते हैं 500 रुपए देंगे, इनको पूछिए आसाम में कितना मिलता है, पूछिए बिहार में कितना मिलता है, यूपी में कितना मिलता है, छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है, क्या बात कर रही है ये लोग, ठगों की जमात, ये देने होने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। तो मैं पॉकेट मार क्यों बोलता हूँ, आपको पता भी नहीं चलता है पॉकेट मार लोगों से कि आपके पैसे निकल गए जेब से, जब घर में कपड़े उतारते हैं तब पता चले कि पॉकेट मार गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ। और ये जिस तरीके से टैक्स लगातार नमक तेल दूध दही सब में टैक्स लगा दिया, ये चोरी नहीं है तो क्या? अब आप जीएसटी काउंसिल में तो आपकी सरकार भी है, आप जाते होंगे उन मीटिंग में, आप बोल दें जीएसटी इम्पोज करके पूरे देश के हर राज्यों की रीढ़ की हड्डी निकालनी चाहिए। आज देश के किसी भी राज्य को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने में केंद्र के सामने हाथ फैला कर खड़ा रहना पड़ता है, मिला तो मिला नहीं मिला तो नहीं मिला। और इसी तरीके से कोई 10 सांसद 5 सांसद जीत के आए सरकार को बार्गेन करो, जैसा भी बिहार और वो तमिलनाडु में अभी तो राज्य में हो रहा है, जिनके पैसे मिल रहा है चूहे मिल रहा है, तभी वहां पर पैसे मिलेंगे। आज राज्य के पास क्या अधिकार है अपने आर्थिक रूप से करने का, लेकिन फिर भी हम लोग हर प्रयास करते हैं। और अभी हमारा 1,36,000 करोड़ का हमारा देना भारत सरकार में कोयला से, बाकी तो खनिज संपदा और बाकी है, अभी तो हम लोगों ने एक कोना पकड़ा है और हम लोग हर हाल में इस राज में जो हमारा कोर सेक्टर खनिज संपदा का है जिससे पूरा देश दुनिया चलता है, दुनिया का सबसे अधिक मिनरल्स हमारे राज्य में पाए जाते हैं। लेकिन आज यहाँ के राज्य के लोगों को देखिए इस हाल में आज हम लोगों ने इस राज्य के खासिया हालात को देखकर आज हम इस राज्य के हर व्यक्ति हर वर्ग हम इसमें कोई हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई, सर्वजन पेंशन सिर्फ हिंदुओं को नहीं सिर्फ आदिवासियों को नहीं सबको मिलता है। भैया सम्मान योजना कोई जाति विशेष धर्म विशेष नहीं है, सबको मिलता है। और ये लोग घंटी चुरा लेंगे, भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र, आप किसका मंगलसूत्र चोरी वगैरह बता दो, देश में एक भी महिला का सफाई कहीं पर है किसी के मंगलसूत्र चोरी हुई? अब एक सवाल हेमंत जी मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जो घटक दल है कांग्रेस पार्टी हरियाणा के बाद खास तौर से ये चर्चा और तेज हो गई है और खास तौर से कुछ राज्यों में ये बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी बार्गेनिंग बहुत कर लेती है लेकिन फिर वो वहां पर डिलीवर नहीं कर पाती, राजनीतिक रूप से उनके अंतर कला बहुत होती है, झारखंड की भी क्या स्थिति है, आपका रिश्ता किस तरीके से? देखिए हर पार्टी बार बार ही कहता हूँ पांचों के लिए बराबर नहीं है, अपनी क्षमता के अनुरूप लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं और परिणाम उसी के अनुरूप आता है। कांग्रेस की जो क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुरूप चुनावी मैदान में, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आरोप ये लगता है कि वो जो रीजनल छतरप है उनको नीचे की तरफ धकेलती है, ये आरोप है, बहुत दल लगा भी चुके हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के और लोग, तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस बीजेपी क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो अपने घटक दल को खत्म ही कर देती है, बिगड़ जाता है वो, ये तो कचरा भी नहीं देता, ऐसा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब हम लोग साथ में है, बल्कि गठबंधन में और भी हम लोग मजबूत हुए हैं, पिछला बार तो हमारे साथ रामदल ने खेल किया वो भी इस बार शामिल है,
एक सवाल अब मैं पूछना चाहता हूँ, परिवारवाद का सवाल, और उससे आपका भी पार्टी अछूती नहीं है। आरोप ये लगता है कि हेमंत सोरेन अपने ही परिवार में राजनीति करते हैं, ये पार्टी परिवार की पार्टी हो गई है, और खास तौर से जब आप जेल गए थे और एटलीस्ट पॉलिटिकल कैंपेनिंग का मोर्चा कल्पना जी ने संभाला, तो ये आरोप और ज्यादा तेज हो गए, इस पर आप क्या कहेंगे? जो कल्पना जी जब राजनीतिक क्षेत्र में आई, उस समय उनको तो अलग ही रखिए, क्योंकि उसको मैंने नहीं बल्कि जनता ने खड़ा किया। कई बात परिवार बात की, राजनीति परिवार बात की होता है, आईएस आईपीएस से परिवार बात की होती है, डॉक्टर इंजीनियर में परिवार बात की होती है, ये राजनीति एजेंडा है। आज परिवार बात की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ही देखते हैं, आज कितने मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री के जो परिवार है कहाँ कहाँ जाकर कर रहे हैं, किसी चुनावी में उनको ज्यादा देखा होगा, वो छोड़ी केंद्रीय नेतृत्व में भी क्या हालत है, ये मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र में ये विषय सबसे वाहियात विषयों में से परिवारवाद सबसे वाहियात विषय। ऐसा उनके हम भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगे उनका वारिस कोई ना हो तो हम क्या करें, उसे कहा जरूरी बनती है, फिर मैं कुछ आगे बोलूंगा तो फिर बोलो। मेरा आखिरी सवाल हेमंत जी, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं, अभी बहुत समय, अच्छा समय है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अक्सर ये कहा जाता है, फिर वही राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो कहते हैं मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूं, कहा यह जाता है कि अपने जेल में जाने को राजनीतिक रूप से भुना रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या आपको जेल जाने से राजनीतिक फायदा हो रहा है, लोगों में हमदर्दी मिल रही है? ये लोगों को आदेश करना है कि मुझे जेल क्यों हो जाएगा, ये लोग आक्रम करते हैं तो मुझे जेल क्यों हो जाते हैं, मैं इस बात को ये नहीं मानता, ये लोगों का अपना फीलिंग है, और ये बात लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता जो कारिज होने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है, किसी के भी तलवे काटने के लिए तैयार है, किसी को भी गले लगाने के लिए तैयार है, किसी के साथ भी किसी भी हद तक जेल में डाल दो, उसको झूठे आरोपों में फंसा दो, कराओ धमकाओ प्रलोभन दो, हर हथकंडे हुआ पाते हैं, तो लोग अब ये जान चुके हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज 5 साल की सत्ता से बाहर आए रहे क्या की ये हालत हो गई है। आज मैं बताऊं झारखंड की ये स्थिति है, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की, अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ उनके प्रचार करना आए ना ये मुखिया भी ना जीते, मतलब यहाँ का स्थानीय नेतृत्व वो करिश्मा नहीं कर पा रहा है, ये आपका आरोप है बीजेपी का? क्या जरूरत है यहाँ पर 50-60 लोगों को उतार देते हैं यहाँ, और बीजेपी वाले ये कह सकते हैं ना हम तो ऐसे ही करते हैं, ये तो हमारा स्टाइल है। स्टाइल क्या है, मजबूरी है यहाँ के लोगों की। रोड शो तो मोदी जी बनारस में भी करते हैं, रोड शो क्या करते हैं, रोड पे बैरिकेड करके आपके लिए खुद कह रहे आने जाने वाले मना कर दो, खड़े रहो, स्पीति का सिक्योरिटी है, मैं कोई रूट नहीं घूम सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता, क्या है वही खड़े रहो, पब्लिक इकट्ठी हो गई, रोड शो हमने जैसा करो ना पता चलेगा। आखिरी सवाल हेमंत जी ये बताइए, यदि आपकी सरकार वापस आती है, रोड शो में ट्रकों में फूल ला करके रखा जाता है और उनके फवारों में भेजा जाता है, क्या बात है, मतलब एक इवेंट मैनेजमेंट है, ये रोड शो नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट, मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, इसमें कोई कमी है, पॉलिटिकल एक्टर है ये मोदी है। ये बताइए यदि आपकी सरकार आती है
तो अब आने वाले 5 साल का मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ बहुत सारे चीजें हैं। क्या आप ये नहीं कह सकते कि छोट पकड़ के राज्य को ही आगे जा सकता? ये आज हर कोना अछूता रहा है। सामाजिक सुरक्षा सबसे यहाँ आगे की सबसे अधिक आवश्यकता। आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग महाजनों से कर्ज लेते हैं, घर में चूल्हा जलाने के लिए भी लोग उधार लेते हैं। आज आज उन सब चीजों को हम लोगों ने डिकेट कर रखा है और अब लोगों को क्या उस ये में स्टार्ट हो चुका है। और हमने कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। कई ऐसे लोग आज के दिन में भी गांव में क्या वीडियो सीओ होने नहीं है, लेकिन आज पहली बार गांव गांव में वीडियो जाता है, सीओ जाता है, कर्मचारी जाता है और गांव के बीच में बैठकर के ग्रामीण की समस्या का समाधान करता है। ये हम लोग की 5 साल की उपलब्धि है। आप बोलिए 6 महीना में आपने डेवलप किया है, आपके बोलिए आज तक 20 साल में कोई पदाधिकारी गांव नहीं जाता था। आज सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में पदाधिकारी जाते हैं, लैपटॉप लेकर के और प्रिंटर लेकर के वहां समस्या। ये बताइए हेमंत जी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार दोबारा आएगी, हेमंत दोबारा आप कहते हैं, पोस्टर लगा हुआ है, तो हेमंत सोरेन ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जैसे कि आपने अभी ऑपरेशन, आपने आरोप लगाया कि ऑपरेशन कमल की तैयारी हो रही है, आप अपने विधायकों को कैसे मनाएंगे, कैसे रोकेंगे? अब आप ही ने कह दिया तैयारी हो रही है। क्या बोलू मैं आपके साथ, ये 5 साल तो ट्राई कर चुके, 5 साल तो इन लोगों ने ट्राई किया ही, क्या हुआ? और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए और हिम्मत जी तो इस मामले में एकदम सुपरडॉन है। देश में कहीं भी लोग गाय जाते तो आसान पहुंच जाते, कोई बात नहीं, आगे देखो, जो भी देख लेंगे। और मजबूती से इस बार तो इनकी सारी जितने इनके जो फार्मूले हैं और जितनी स्ट्रेटजी है वो सारे स्कीम के बारे में हमें आप पता चल चुका है। इनका जो कोई काम नहीं आने वाला है, इनको इतनी बुरी दिक्कत होने वाली है जिनका इनको अंदाजा नहीं। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।